या गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसका चीनी यात्री हैंगसोंग ने पेलोपेली के नाम से उल्लेख किया है, पेलोपेली के नाम से उल्लेख किया है? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला हरिश्चंद्र, बी है नरबट, सी है रंजिल और डी है नागबट। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेलोपेली के नाम से किसका उल्लेख किया गया है, किसके द्वारा, चीनी यात्री हैंगसोंग के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नरबट, नरबट का उल्लेख किया गया है। नरबट है वो रंजिल का पुत्र था, नरबट किसका पुत्र था, रंजिल का पुत्र था नरबट। तो नरबट ने क्या है, पिलापली की उपाधि धारण की थी। नरबट ने पिलापली की उपाधि धारण की थी क्यों, और जो नरबट था वो अपने काल का प्रतापी और महान शासक था। इसने भगवान विष्णु के मंदिर का भी निर्माण करवाया था, किसमें, रोहिणीस्कूप नगर के अंदर। तो इसने क्या है, पिलापली की उपाधि धारण की थी। पिलापली का अर्थ होता है गुरु और ब्राह्मण का संरक्षण करने वाला, गुरु और ब्राह्मण का संरक्षण करता। तो इसने पिलापली की उपाधि धारण की थी, और जो चीनी यात्री हैंगसोंग था इसने इसे क्या उपाधि दी थी, पेलोपेली की उपाधि से विभूषित किया था। पेलोपेली का अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला, क्योंकि जो नरबट है वो साहसी शासक भी था, इसलिए इसके साहस से प्रसन्न होकर हैंगसोंग ने इसे किस नाम से इसका उल्लेख किया गया है, पेलोपेली के नाम से उल्लेख किया है। पेलोपेली का अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला, और पिलापली का अर्थ होता है गुरु और ब्राह्मण का संरक्षण करने वाला। तो ये इसके द्वारा, स्वयं के द्वारा उपाधि ली गई थी, और पेलोपेली ये नाम इसको हैंगसोंग के द्वारा दिया गया था जो रंजिल का पुत्र था।